हे गाइस, सो पोको इंडिया के अंदर उसके नए फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है, जो कि होंगे पोको F5 और पोको F5 प्रो। ये दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग दोनों लीक हो गई हैं, तो आज हम दोनों के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। तो ये दोनों स्मार्टफोन हाल ही में गीक बेंच पर लिस्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों फ़ोन काफ़ी जल्द हमको लॉन्च होते दिखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो पोको F5 है वो हमको पहले इंडिया में देखने को मिलेगा, एंड जो F5 Pro है वो बाद में आएगा। तो सबसे पहले आपको पोको F5 देखने को मिल सकता है, और हाल ही में हिमांशु टंडन जी जो हैं पोको इंडिया के हेड, उन्होंने यहाँ पे पोको F5 को टीज़ भी किया है। इस ट्वीट को आप देख सकते हो, तो इससे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे F5 है। तो F5 हमको काफ़ी जल्द इंडिया में लॉन्च होता दिखेगा, तो आने वाले 1-1.5 महीने में हम पोको F5 को इंडिया में देख सकते हैं। तो काफ़ी जल्द लॉन्च है, और हिमांशु टंडन जी ने ये भी कहा था ट्विटर पे कि पोको का जो अगला फ़ोन होगा इंडिया में उसमें हमको 8GB प्लस 256GB और या फिर 12GB प्लस 256GB वाला स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक्स सीरीज़ में और एम सीरीज़ में तो वो 256GB स्टोरेज को काफ़ी कम ही लाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमका जो अगला फ़ोन है वह पोको F5 इंडिया में देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी जल्दी आएगा। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो लिस्टिंग के मुताबिक यहाँ पर हमको फ़ोन में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होगी, एंड डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर हमको एक सेंटर पंचोल कटआउट मिल जाएगा। काफ़ी नैरो बेजल्स के साथ में डिस्प्ले आने वाली है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा फ़ोन में हमको स्नैपड्रैगन का 7 Plus Gen 2 मिल जाएगा, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आएगा, एंड 5G का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा जो पोको F5 प्रो होगा वहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8 Plus Gen 1 होगा, तो वो और बेटर प्रोसेसर के साथ में हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में हमको LPDDR5 रैम टाइप मिलेगी और UFS 3.1 की स्टोरेज स्पीड मिलेगी। इसके अलावा दोनों फ़ोन Android 13 OS के साथ में आएंगे, जो कि MIUI 14 की स्किन के ऊपर बेस होगा। इसके अलावा फ़ोन में हमको 64 MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिल जाएगा, जो कि OIS के साथ में आएगा। सेकेंडरी कैमरा 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, और थर्ड कैमरा 2 MP का एक मैक्रो लेंस यहाँ पर होगा। सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमको 16 MP का मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर एक सेंटर पंचोल के साथ में आएगा। इसके अलावा बैटरी की अगर हम बात करें तो पोको F5 में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी होगी, और F5 Pro में 5500 mAh की हमको बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। और दोनों ही फ़ोन यहाँ पर 67 W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएंगे, तो फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएंगे। तो यही थी सारी स्पेसिफिकेशंस इन दोनों फ़ोन की। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो पोको F5 इंडिया में 30,000 की रेंज में आएगा, जबकि जो पोको F5 Pro होगा वह 40,000 की रेंज के साथ में इंडिया में आ सकता है। लेकिन सबसे पहले हमको पोको F5 देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले 1-2 महीने में आएगा, फिर हम पोको F5 Pro को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पोको F5 Pro है वह ग्लोबली हमको काफ़ी जल्द देखने को मिल सकता है। तो यही है, तो आने वाले टाइम में पोको F5 काफ़ी जल्द इंडिया में लॉन्च होगा, तो इसके रिगार्डिंग सारी की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। आपके क्या थॉट्स हैं पोको F5 और F5 Pro को लेकर, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है, मैं मिलता हूँ आपसे को नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।